तरस गई, अल्लाह ने मौका दिया कि उनकी दीदार से खूब सैराब हो जाएं। उम्मत मुस्लिमा के अजीम शख्सियत, उम्मत मुस्लिमा के तर्जुमान, जान उल माकूल वल मनकूल, तर्जुमान देवबंद, असातिज़ा, खासकर हमारे अकाबिर ने जिनकी सर पर उम्मत की रहनुमाई की जिम्मेदारी डाल दी है, जिनके कांधों पर और जिनके सर पर उम्मत की रहनुमाई की पगड़ी बांधी है, शेखुल कुरान वल हदीस अल्लामा डॉक्टर मंजूर अहमद मेंगल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो किसी मोहताज के तारुफ नहीं और ना हम ना चीजों के पास उनको बुलाने के लिए अलकाबात हैं, अल्फाज हैं, बिला ताखीर मैं हजरत मौलाना मंजूर अहमद मेंगल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को दावत खिताब दे रहा हूँ कि वो अपने जरीन ख्यालात का इजहार फरमाएं। सर बुलंद देवबंद सर बकफ सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल कलम वमा यस्तुरून, मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून, व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। आप हजरात भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अकाबरीन उलमा तशरीफ ला चुके हैं। मैं अभी एक प्रोग्राम से फारिग हो चुका हूं और मुझे कहीं दूर जाना है, फिर शाम को इस्लामाबाद से फिर शाम को वापस। ये है कि शायद 1-2 बजे मैं 12 बजे तक पहुंच जाऊं। पेशावर में भी प्रोग्राम है। आप हजरात की मुबारक चेहरों की ज़्यारत हो गई और जलसे का जो उनवान है वो ख़त्म नबूवत, इस उनवान से बढ़ करके और इस मौजू से बढ़ करके ज़्यादा कीमती उनवान शायद हमारे मौलवियों के मजामीन में कोई और चीज़ ना हो। बस मैं सिर्फ अपनी हाज़िरी लगाने के लिए आपसे, ताकि गैर हाज़िर मुझे आप हजरात शुमार न करें, ख़त्म नबूवत के आशिकों में और ख़त्म नबूवत के मुहाफिज़ीन में और परवानों में इस नालायक मौलवी का भी शुमार हो जाए। इस बुनियाद पर यह है कि चंद बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। बात इतनी सी है, इस बात को आप हजरात समझ लें। मेरे नबी ने हदीस में फरमाया, जैसे कि कोई बेहतरीन खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग हो और इमारत हो और उसके अंदर बहुत से ईंटें और मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉक लगे हुए हैं, ब्लॉक की खूबसूरती को, उसके बिल्डिंग की खूबसूरती को और इमारत की खूबसूरती को घूमने फिरने वाले और देखने वाले जब देखते कहते सुभान अल्लाह, कितनी बेहतरीन किस्म की बिल्डिंग है, इसमें थोड़ी सी एक कमी है। कमी यह है कि एक जगह फलान जगह पर एक ब्लॉक रह गया है, ये ब्लॉक अगर लग जाता, ये ईंट अगर यहाँ पर लग जाती तो ये बिल्डिंग कितना खूबसूरत होगा। बाकी अल्लाह जानता है कि पूरी बिल्डिंग को हम देख रहे हैं, हम खुद माहिर लोग हैं और यह है कि अल्लाह आपका बड़ा समझदार किस्म के लोग हैं, लेकिन इस बिल्डिंग में कोई हमें ऐब, कोई कमी किसी किस्म की बिल्डिंग के हर हर जगह, हर यह कि अल्लाह आपका भला करे ब्लॉक, और हर यह की खिड़की और हर यह की दीवार उसकी खूबसूरत खूबसूरत, सिर्फ एक मामूली एक ब्लॉक की कमी रह गई है और वो उसकी वजह से यह है कि
इस बिल्डिंग में कलाम किया जा सकता है। वाकई वाकई इस बिल्डिंग के कारीगर ने कमाल कर दिया है। मेरा नबी फरमाते हैं कि वो कारीगर नबुव्वत के इस बिल्डिंग को बनाने वाला आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक ये पूरी नबुव्वत की तामीर और ये इमारत और ये बिल्डिंग खड़ी हो गई। इसमें हर एक की खुशबू अलग है, हर एक की महक अलग है, हर एक का हुस्न अलग है, हर एक की शरीयत फ़र्ई मसाइल उसके अलग अलग है और हर एक की खसूसियात, हर नबी की सलाहियतें अलग है। आखिर में वो एक बिलाग जो समझा जा रहा है, वो एक बिलाग रह गई थी, वो बिलाग नबुव्वत के उस तामीर में और इमारत नबुव्वत के उस इमारत में उस बिल्डिंग में जो एक बिलाग की जगह रह गई थी, वो मैंने मोहम्मद ने आकर के वो बिलाग मैं हूँ, ये बिल्डिंग अब मुकम्मल हो गई। यह हदीस में फरमाया कि वो बिल्डिंग, वो जो बिलाक रह गया उसको मैंने मुकम्मल कर दिया। अब मज़ीद इसमें कहीं कोई ईंट रखने की, कहीं कोई बिलाक और कहीं कोई खिश्त लगाने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। बस बात ख़त्म हो गई। इस पर उम्मत का इजमा हो गया, इस पर उम्मत का इत्तेफाक भी हो गया कि अब इस बिल्डिंग के अंदर, नबुव्वत के इस बिल्डिंग के अंदर मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं है। बस इजमा हो गया। अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हम्बल, 1,25,000 सहाबा, सहाबिया, ताबीन, तबा ताबीन, उम्मत मुस्लिमा, किसी ने भी इसमें यह नहीं कहा कि मज़ीद हमें किसी नबुव्वत की ज़रूरत होगी। लेकिन बदकिस्मती यह है, बदकिस्मती कमीना इब्ने कमीना, कमीना इब्ने कमीना, खिंजीर खिंजीर की औलाद, यह हमेशा इस बिल्डिंग को चैलेंज करते रहे कि इसमें ब्लॉक निकाल करके हम भी इस बिल्डिंग के किसी दीवार में हमें जगह मिल जाए। बिल्डिंग बहुत कीमती है और सारे सब की निगाहें, पूरी कायनात की निगाहें उस पर लगी हुई है और कारीगर ने बहुत उम्दा बना दिया, लेकिन मेरे जैसे मनहूस हर नबुव्वत का मुद्दई और हर झूठा वो कहता है कि इसमें कहीं कहीं मेरा बिलक भी लग जाए, कहीं मेरा शुमार भी हो जाए। लेकिन सहाबा ने किसी को जगह नहीं दी, सहाबा ने इस इमारत के अंदर किसी को दाखिल होने नहीं दिया। बल्कि आपको अजीब बात बताऊँ, ये मुसैलिमा कज़्ज़ाब आपने सुना होगा, 200 साल से ज़्यादा इस खिंजीर की उम्र थी, 200 साल से नबी बना हुआ है, लेकिन यह है कि परले दर्जे का बेहया और बेशरम था और अतार था, खुशबू बनाता था और सबसे बड़ा बेहया दुनिया का, औरतों का दुश्मन था, जिना का स्पेशलिस्ट था, बदकारी का स्पेशलिस्ट था और नहीं समझते तो टुक टुक के बड़े स्पेशलिस्ट थे। अब पठानों को कौन समझेगा? ये कौन है जैसे कि हतम नबूवत वाले? अब इतने मेरे प्यारे की ज़िंदगी में बुखारी में हदीस मौजूद है, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में मुसैलिमा आया, कहने लगे कि मुझे तो कोई थूकता भी नहीं है, कुत्ता तो था, खिंजीर भी था, और मैंने अर्ज़ किया कि ठुक ठुक का बड़ा माहिर था, आ पख्तानान ठुक ठुक पहिए ना पहिए आदास हुआ है ना, ये हरामी इब्ने हरामी, खिंजीर इब्ने खिंजीर, टुक टुक का बड़ा माहिर था, दवाइयाँ खाता था, माजून खाता था, 200 साल इसकी उम्र थी, ये पेशानी की झुरियों से पता चलता था कि ये बुढ़ा है, वरने ये बेगैरत बड़ा ताकतवर, बैठे बैठे मौली अहमद को अगर एक हाथ देकर के धक्का देता वो गेट तक पहुँचता, इतना ताकतवर था, और दवाइयाँ खाता था, टुक टुक करता था, टुक टुक। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा में आ गए, ज़ाहिर है कि जलील जलील कहीं ना कहीं किसी मुअज़्ज़ज़ जगह से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता है कि ताकि उस जलील की भी कीमत और उसकी मार्केट बन जाए। तो कहने लगे कि मोहम्मद मेरे साथ ये कर दो, अपनी ज़िंदगी में मुझे नबुव्वत में कुछ कुछ हिस्सा दे दो, या ये कर दो जब तक तू जिंदा है तो नबुव्वत तेरी, तू ही नबी, मोहम्मद रसूलुल्लाह और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तू ही नबी है, लेकिन जब तेरा विसाल हो जाए तो विसाल के बाद फिर ये कर दो, इतनी तो वसीयत करो, विसाल के बाद कम अज़ कम लोग मुझे नबी माने, मैं तेरी खिलाफत और आपकी जगह पर खलीफा बनना चाह रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया कि तेरे जैसे जलील से और तेरे जैसे बेगैरत से मैं अपनी पाकीज़ा ज़बान को आपसे गुफ्तगू भी अपनी निशान अपने तौहीन समझता हूँ, आपसे गुफ्तगू करना कुत्ते से जो गुफ्तगू करेगा क्या वो आदमी मुअज़्ज़ज़ होगा? कुत्ते से तो कोई गुफ्तगू नहीं करता। मेरे नबी के पास छड़ी थी,
खजूर की छड़ी थी। आपके पखसान के इलाके में तो खजूर मजूर यहाँ भी शायद हो, लेकिन खजूर की छड़ी थी। फरमाया कि ये खजूर की छड़ी अगर मुझसे लोग, ये बुखारी की हदीस आपको सुनाए, ये खजूर की छड़ी अगर मुझसे मांगोगे ना, तू अगरचे अपने इलाके का सरदार अपने आप को समझता है, लेकिन तू सरदार नहीं, तू है ही मुर्दार, मुर्दार का बच्चा। ये खजूर की छड़ी जो मेरे दस्ते मुबारक में है, अगर इसको इसको आप मानेंगे तो ये आपको नहीं दूंगा। बस चिजाए कि नबुवत जैसे अजीम नेमत के अंदर नबुवत अल्लाह की तरफ से अता कर दें, नबुवत में कोई तुझे पार्टनर बनाए, शरीक बनाए, ये हो ही नहीं सकता। ये खजूर की छड़ी भी नहीं, और आपसे बातें करते हुए तेरे जैसे खिंजीर से मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। फहादा साबित बिन क़ैस बिन शम्मास अल खतीब खतीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा खतीब है, मेरा शागिर्द है साबित बिन क़ैस, ये आपसे गुफ्तगू करेगा। मैं मोहम्मद आपसे गुफ्तगू भी नहीं करता, अकबर शक्ल हो गोरा। इसमें बच्चे, इसमें का बच्चा तो अपनी शक्ल को देख ले, तुझसे कोई गुफ्तगू करेगा? मेरा शागिर्द आपसे गुफ्तगू करेगा। चुनांचे ये हुआ, अल्लाह का करना ये हुआ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। चंद दिनों के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। उसके बाद ये हुआ कि इसने खुल करके मैदान इसके लिए खाली हो गया। बज़ाहिर ये मैदान को खाली समझ रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैदान खाली नहीं था। वो ये समझ रहा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की हयात तय्यबा में मेरी मुज़ाहमत, मेरा मुकाबला, मुदाफ़ात बहुत सख्त थी, लेकिन अब अबू बकर जैसा कमज़ोर आदमी आ गया, और ख्याल कर रहे हैं ना पख्ताना, अबू बकर तुम्हारी तरह ऐसा मोटा इतना कदावर नहीं था, कमज़ोर किस्म का इंसान था, जिस्म के एतबार से कमज़ोर किस्म का इंसान था। अब अबू बकर के ज़माने में उसने समझा मेरे लिए मैदान खाली हो गया। इधर से उसने ऐलान कर दिया कि अब सीट खाली हो गई, अब जगह खाली हो गई, अब नबी नहीं रहा, अब नबी मैं हूँ, अब नबी मैं हूँ, अब नबी मैं हूँ। उधर से एक खातून थी, उसका नाम था सजा। सजा ने उधर से कहा कि वह खर्जे, अब तुम्हारी बारी नहीं है, 1,25,000 अनबिया मर्द आए हैं, अब कोई मर्द नबी नहीं, अब हमारी बारी है औरतों की। खजा 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 दान बियानी शी, उसने कहा कि अब हमारी बारी है, साखबल शक्ल तो करा, तू नबी नहीं बनेगा, अब हमारी बारी है। वो औरत सोनी बहुत खूबसूरत किस्म की थी, बहुत खूबसूरत थी, और जाहिर है कि आप ये देखें कि एक तरफ से मौलाना फजल रहमान खड़े हों इंतखाबात में, दूसरी तरफ से कोई सुर्खी पाउडर वाली, आप किसको वोट देंगे? ऐसे हमारा खतीब कह रहे मौलाना फजल, तुम भी नहीं दोगे, मैं भी उस खातून को वोट दूंगा। हम हमारे बलोच लोग भी बड़े मजाकी होते ना, तो मियाँ बीवी ने वोट तो दे दिया, शाम को जब बीवी भी आ गई घर पे, शोहर भी घर पे आ गया, तो बीवी ने पूछा कि तूने किसको वोट दिया? मौलवी साहब ने कहा कि मैंने तो मौलवियों को वोट दिया। बीवी से पूछा तूने किसको वोट दिया? कहा मैंने तो बेनज़ीर को वोट दिया, मैंने तो बेनज़ीर को वोट दिया। तूने किसको? कहा मैंने मौलवियों को। कहा कुत्ते का बच्चा, फिर जाकर मौलवियों के पास सो जाओ, मेरे पास नहीं आना। उसे जब तूने वोट दिया किसको दिया? ए बख्ताना भाई, तूने वोट दिया बेनज़ीर को, वोट इसको मौलवियों को वोट दिया, अब मौलवियों के पास जाकर के सो जाओ, मेरे पास नहीं आना। तो औरतें, ये सुर्खी पाउडर की कीमत बड़ी अच्छी होती है, हमारे नौजवान तो उस पर ही है कि, लेकिन सुर्खी पाउडर हुस्न तो तुमने देखा होगा, कायनात के अंदर बहुत हसीन देखोगे, लेकिन खुदा की कसम नबुवत भी मोहम्मद पे ख़त्म, हुस्न और जमाल भी मोहम्मद पे ख़त्म। नौजवानों में भी नालायक हूँ, मैंने भी मोहम्मद को नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखा तो फिर वो इन बागात को भी नहीं देखे, वो फूलों को भी नहीं देखते रहे, न ये फूल आपके दाएं बाएं अच्छे लगते, न ये हरियाली उनको अच्छी लगती, नहीं, ना आसमान के सूरज और चांद उनको अच्छे लगते, जिन्होंने मोहम्मद को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते 24 घंटे इस मुबारक चेहरे को देखते है। सुभान अल्लाह। तो सजा ने कहा, सजा की बात कर रहा था, बेहया किस्म की खातून थी, उसने कहा कि 1,25,000 अनबिया मर्द आए, अब जो है ना खजगान की बारी है, खजगान, अब मैं औरत हूँ, अब मैं नबियाणी हूँ, कोई भी नहीं, अब कोई भी नहीं। जैसे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में देखा, लेडा भी वजीर आजम रहे और लेडी भी वजीर आजम रहे, पाकिस्तान के अंदर क्या है,
लेडे भी वजीर आजम बन गए, लेडे 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 लेडा और लेडी दोनों। तो हमारे कराची में गुलशन इकबाल में ये जो हेजड़े होते ना, हेजड़े हेजड़े उसको हेजड़े भी कहते हैं, खजड़े भी कहते हैं, तो पाकिस्तान के सब है हिजड़ा वो हिजड़ा। तो अब वो हिजड़ों ने जुलूस निकाला कि लेडा भी वजीर आजम बन गए पाकिस्तान के 70-80 साल में, लेडी भी वजीर, लेडी वजीर आजम बनी नहीं बनी, क्या कि लेडी भी वजीर आजम बन गई है, लेडा भी बन गया है। अब जो है ना इस किस्म की मखलूक को वजारत दे दो जो न लेडा है न लेडी है, न वो लेडा है न वो लेडी। उन्होंने जुलूस निकाला कि इस पाकिस्तान में हमारा भी हक बनता है, ये पाकिस्तान ऐसे है कि इसमें गधों का भी हक है, कुत्तों का भी हक है, खिंजीरों का भी हक है, यहाँ खिंजीर और गधे। मैं अपने जुमे में, आपके तो कुछ भी नहीं है, मेरे जुमे में 8-10 हज़ार लोग होते हैं, तो जुमे में मैं कई दफ़े ऐलान किया बा पख्तानों को, आपको भी ऐलान करता हूँ। हमारे मुल्क के मुकद्दर में लिखा हुआ कि यहाँ इस मुल्क में बेहया, बेशर्म, बेदीन, ला मजहब, जाहिल, अजहल, इबन अजहल, जाहिल, इबन जाहिल, यहाँ उस बंदे को वजीर मुकर्रर किया जाता है जो बिल्कुल खुदा रसूल का जितना बड़ा दुश्मन होगा, कुरान का जितना बड़ा दुश्मन होगा, खत्म नबूवत का जितना भी दुश्मन होगा, वो मगरिब के मेयार के मुताबिक होगा, मगरिब उसको वजीर आजम मुंतखब करेगा। इसलिए कि हमारे यहाँ ये वजीर आजम यहाँ के नहीं बनते, इनके फैसले मगरिब से होते हैं, हमारे नबूवत के जो फैसले होते हैं वो भी मगरिब से बनते हैं। अब आप देखें ना कि आप क्या अजीब बात है, ईसाइयों के यहाँ नबी हमारे ईसाइयों से पास होकर के फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश, बर्मा, सऊदी, दुबई, इनके लिए हमारा नबी जो आता है अंग्रेज का नबी, वो बरतानिया और फ्रांस से, वहीं से पास होकर। सवाल यह है कि जहां यहूदियों की आबादी है तो कोई यहूदी वो गैरतमंद है, यहूदी गैरतमंद है। अब तू जितना भी उनको बेगैरत कह दे, वो बेगैरत है, लेकिन यहूदी कहते हैं कि हम अब दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इस पर बनी इसराइल की नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, हम किसी को नबी नहीं। आज तक आप बताओ यहूदियों में कितने लोगों ने नबूवत का दावा किया, इस वक्त इन करीबी सालों में किसने नबूवत का दावा किया, किसी ने भी? यहूद नर है, आप उनको बेगैरत कह दें लेकिन नर है, वो आपके लिए नबी बना करके भेजेंगे। लेकिन ईसाइयों में अब तक किसी ने किसी को जुरत भी नहीं हो रही है। ये वो पाकिस्तान है, यहाँ खदड़ा खदड़ी और यहाँ पर अल्लाह का लेडा लेडी, यहाँ का बेहिया बेशरम, जो भी दीन का बाकी हो, खुदा का दुश्मन हो, कलमे को भी न जानता हो, उसको यहाँ नबूवत मिल जाती है। पीर मा इमरोज दावा नबूवत कर दस, पीर मा इमरोज दावा नबूवत कर दस, साल दीगर गद खुदा ख्वाहत शुदन। हमारे पीर साहब ने इस दफ़ा नबूवत का दावा किया, वो जिल्ली और बुरूजी नबी है। अगर अल्लाह ने चाहा पीर साहब अगले साल खुदाई का दावा करें। चुनाचे हमारे बलूचिस्तान में एक बंदा बड़ा तेज था, मौलाना उबैदुल्लाह साहब हमारे दोस्त है, देवबंद के फाजिल है, हमारे अजीज है, खुशदार वाले, उनके शागिर्द पठान थे। वो पठान वो पढ़ते 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 आखिर में उसका दिमाग खुश हो गया, इतना तेज़ आदमी था, गुफ्तगू में इतने तेज़ थे, आखिरकार उसने कहा कि मैं नबी हूँ, मैं महदी हूँ, महदी होने का उसने दावा किया। मौलवियों से बातें करता था तो मौलवियों को खामोश कराते थे। कराची में लोग मेरे पास आ गए, कहने लगे कि तुम इसे बात करो, ये महदी बन गया, महदी महदी है, उसके पास दलाइल है, तुम इसे गुफ्तगू करो। मैंने कहा मैं गुफ्तगू नहीं करता, हमेशा नबी और खुदा पंजाब से बनते, हमारे पठानों का भी हक है या नहीं? आप समझ रहे हैं, समझ, हमेशा खुदा और नबी क्या है? हमेशा पंजाबियों के बनते हैं, क्या पख्तानों का हक नहीं है? मैंने कहा जाने दोस्त, हम बलोच है, हमारा भी हक बनता है। उसने महदी होने का दावा किया, अल्लाह पठानों को जजाए खैर दे, पशीन वालों को, कि पशीन वाला एक आया, उसने कहा मैं आप पर ईमान लाना चाह रहा हूँ, मैं आपका आशिक हूँ, मैं आपका उम्मती हूँ। वो पशीन वाले ने अपने कमीज के नीचे कोड़ा से बड़ा सा बम उसने रखा हुआ था और कहा का सीना मिला उसे सड़े, मैं आप पर ईमान ला रहा हूँ ताकि मेरे सीने में ईमान मुंतकिल हो। डज हो गया, नबी मुर्दार हो गया। आपने सुना होगा, ये तो हमारे इलाके की बात है जी, ये हमारे इलाके की बात है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। नबी जहन्नम में पहुंच गया, महदी जहन्नम में पहुंच गया। उसके बाद चंद दिनों के बाद हमारे बलोच की टट्टी बंद हो गई। पता के सवाल जब होल पे बंद बंद टट्टी, हां
वल 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 टटे, हमारे 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 बल उसका टटी बंद हो गया। टटी जब उसकी बंद हो गया, दिमाग उसका ख़राब हो गया। उसने कोई गर्म कोई चीज़ खाई थी, कोई गोश्त मोश कच्चा मच्चा खाया, पेट बंद हो गया। अब वो बलोच जो है ना, वो हब चौकी में कहता मैं खुदा हूँ। बलोच ने मुस्तकिल लोगों को ललकारा, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। मुझे लोगों ने कहा बलोच का दिमाग ख़राब हुआ। मैंने कहा ख़राब नहीं हुआ, हमेशा पंजाबी खुदा बनते हैं, हमारे बलोचों का भी तो हक है। ये मज़लूम पाकिस्तान है, ये मज़लूम पाकिस्तान है। हमारे एक साथी है हकीम नज़ीर साहब, उसने वो कोई दवाई मवाई दे दी बलोच को, तो बलोच का पेट जारी हो गया। इसहाल हो गया, 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 इसहाल हो गया। बलोच की टटी जब निकल गई तो बुखारात दिमाग से भी निकल गया। अब बलोच से पूछते तो कहे आप कौन है, कहते मैं बलोच हूँ। तो कहे मैं बलोच हूँ, मैं बलोच। वो बेखर तू कल तक तो इतवार तक तो तू दावा कर रहा था कि मैं खुदा हूँ। कहते यार दिमाग ख़राब हो गया था, टट्टी बंद हो गई। यहाँ जिस बेगैरत की टट्टी बंद हो जाए वो भी नबी बनता है या खुदा बनता है। और आपने अखबारात में पढ़ा है, मेरे अकाबरीन मौजूद हैं, मुझे डर भी लगता है। ये मीडिया की बात है, अखबार उम्मत अखबार में पूरी तफसील आ गई। फैसलाबाद के एक स्कूल में एक बंदा पढ़ता था, ये अहमद ईसा, जो आजकल अल किताब कुरान के मुकाबले में लिखा अल किताब। कोई मौलवी मुझसे बात करे, हजारों नहीं लाखों जाहिल और अजहल और मुर्तद लोग उसको नबी मानते हैं और उसने अल किताब लिखी। फिर इसमें अखबार में आया कि ये वो बंदा था कि स्कूल में इसकी एक मरतबा नहीं कई मरतबा इज्जत लूट गई, यहाँ से सवारी उठा ना सके तो भाग कर बरतानी में चला गया। ए पख्ताना, कुछ भी समझ नहीं। ये अखबार में बाकायदा तफसील। ये वो बेहया था जो अपनी सुजुकी में दो दो तीन तीन सवारी उठाता था। या अल्लाह किन लोगों के पास आकर फंस गया। वो सुजुकी में डबल सवारी ट्रिपल सवारी, और वो जाकर के अल किताब लिखी। अल किताब वो भी मोहम्मद को चैलेंज कर रहा है। कायनात के अंदर एक मजलूम मोहम्मद है, कायनात के अंदर एक मजलूम कुरान है, कायनात के अंदर मजलूम एक मुल्ला है, कायनात के अंदर आपकी दुनिया में एक मजलूम मदरसा है और एक मजलूम तबलीगी है, और कुछ भी नहीं है। आपने देखा कि एक आवाज से करोना, लिहाजा तबलीगी इदारे भी बंद हो गए। ए तबलीगी, जब तक जिहाद नहीं करोगे इसी तरह रहोगे। ऐसे तबलीगी बंद हो, कसम खुदा के कराची में सवाल ही नहीं है कि कोई तश्कील और कोई गज। सारे के सारे साथी मुझे कहे तबलीगी आकर के पूछ, हमारे मरकज भी बंद हो गया, मरकज भी बंद हो गया, मक्की मस्जिद भी नहीं छोड़ रहे, मदनी भी नहीं छोड़ रहे, गश्त करने के लिए भी नहीं छोड़ रहे। मेरे कहा अच्छा हो गया तुम्हारे, इसलिए कि तुम छह बातों से निकलते नहीं हो, ये सातवीं बात है, बर्दाश्त करो। खुदा की कसम हमारे करीब बाकायदे पलाजे बने हुए थे, ये हमारे बूट वाले, समझ में नहीं है। ये बूट वाले ऊपर थूको तो पेशानी, नीचे थूको तो दाढ़ी। ये बूट वाले उनको पकड़ पकड़ करके मस्तूरात की जमातों को, और इन जमातों को बाहर से आते थे एयरपोर्ट से पकड़ करके उनको करंतीना में बंद करते, कहते 40 लाख दे दो, 45 लाख दे दो, वरना तुम्हारी जमात को नहीं छोड़े। साल डेढ़ साल पूरे कराची में, लेकिन जिन मस्जिदों के अंदर, जिन मस्जिदों में 4 लाख 5 लाख SHO को, PPO को, DIG को देते थे लोग, उस मस्जिद में करोना नहीं जाता था। 4 लाख 5 लाख मिल जाता था उसमें बाकायदा करोना कभी भी नहीं जाता था। और करोना जुमे को ऐलान करता था कि मैं 11 बजे से 2 बजे तक आ जाऊंगा, खबरदार कोई जुमे के लिए ना आ जाए, करोना जोश में आता। ये ऐसी बीमारी, कैंसर, हेपाटाइट सी, हेपाटाइट बी और शुगर, और अल्लाह आपका भला करे बाकी ये की बीमारियां, वो इस तरह ऐलान नहीं करते। करोना बाकायदा कराची में उसका ऐलान होता था कि आज करोना जुमे को आ रहा है 11 बजे से लेकर 2 बजे, और जब जुमे का टाइम निकल जाएगा तो करोना वापस। और करोना आता है मस्जिद में, मस्जिद में गए तो आपको करोना लगेगा, बाकी घर में बीवी के पास कहते मस्जिद में अगर जाओ तो 6-6 फुट फासिला रखो। तो मैंने जुमे में कहा बीवी से भी तुम 6 फुट फासिला रख करके अब काम करके दिखाओ। समझ नहीं है, 6-6 फुट करके जी करो तुम काम।
देखते हैं 6 फुट से तो गधा भी काम नहीं कर सकता। ये वो बेगैरतों की हुकूमतें हैं, ये वो बेगैरतें हैं। और सब कुछ मुझे मेजर ने फोन कर दिया कि मौलाना की ऐलान कर दे, 11 बजे ऐलान कर दे, खतीब आप है, मेरे मस्जिद में 8-10 हज़ार लोग आते हैं, आज जुमा नहीं होगी। मैंने कहा जुमा होगी, 2 बंदे होंगे भी, कहाँ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 बंदों को इजाज़त है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, अगर 6-7 बंदे मस्जिद में जमा कर। मैंने कहा मेरे तो 10 बेटे हैं। ये हमारे मेरा बच्चा है, ये यहाँ मौलाना नसीब साहब मेरे अजीज हैं। तो मैंने कहा मेजर साहब उनको कितनी जगहों पर तकसीम करूँ, 10 तो हमारे बेटे हैं, उनको कहाँ तकसीम करूँ समझी, और 3-4 बीवियाँ उनको अलग मस्जिदों में तश्कील करो। ये वो बेगैरतों का ज़माना है कि मस्जिद से बीमारी लगती है, और 6 फुट फासले रखो, 6 फुट। ऐसे तबलीगी मौलवी तबलीगी सारे के सारे सांपों को सूंघ गया, 1.5 साल तक कोई जमात कोई तश्कील नहीं। तबलीग वाले एक दिन मेरे पास आ गया, हजरत वल्ला शहर के अंदर कभी गश्त के लिए नहीं छोड़ते। मैंने कहा भाई मेरे महल्ले में गश्त करो, ये जामे सिद्दीकी है, ये जामे सिद्दीकी है, ये पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है, ये अफगानिस्तान का सूबा है। मैंने कहा अगर तुम गश्त करो मेरे महल्ले में करो, उधर पठान भी है, सादे सादे पठान भी है और बलोच है, तुम गश्त करो और इधर आकर के बयान करो। इसलिए जब तक मुसलमान एक नहीं होंगे, अपने छोटे मोटे इख्तलाफात को ख़त्म नहीं करेंगे, कोरोना का बहाना बना करके बैतुल्लाह को भी बंद करेंगे, मस्जिद नबवी को भी बंद करेंगे, मस्जिद अक्सा को भी बंद करेंगे, मदारिस को भी बंद कर दिया, तबलीगी मराकज़ भी बंद, और मजलूम किस्म के मासूम किस्म के तबलीगों को पकड़ पकड़ करके मशहूर ये कर दिया, मशहूर ये कर दिया अखबारात ने मीडिया में कि इस कोरोना को लाने वाले बाहर ममालिक से तबलीगी जमाते हैं। लानत हो तुम्हारे झूठ पर, अला लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। बात कहीं दूर चली गई। सजा ने, मैंने अर्ज़ किया कि सजा वो बड़ी खूबसूरत थी, उसने कहा मुसलमान को कहा कि कुत्ता हमेशा 1,25,000 अनबिया मर्द आए हैं और अब औरतों की बारी है, अब औरतों की बारी, अब हमारी। मुसलमान बड़ा बेगैरत था तो मुसलमान ने कहा कि लड़ने की ज़रूरत नहीं, इसने फौज कशी की, इसके साथ बड़ी लश्कर थी, बड़ी जमात थी सजा के पास। सजा ने कहा अब नहीं छोड़ूंगी, अब आइंदा नबूवत का सिलसिला हमें रहेगा। मुसलमान ने कहा कि लड़ने की ज़रूरत नहीं, हम एक दूसरे को समझें, मुज़ाकरात तो करें, लिहाजा आपके कमांडो भी नहीं आएंगे, मेरे कमांडो भी नहीं आएंगे। एक खेमा लगाया, ये बड़ा अत्तार था, इसका लकब था मुसलमा अल अत्तार, अतर फिरोश, खुशबू कई किस्म के होते थे। उसने पहले खुशबू लगाया खूब खेमे के अंदर, कहा मेरा कमांडो भी अंदर नहीं आएगा और यह कि सजा का कोई कमांडो भी अंदर नहीं आएगा, सिर्फ नबी मुस्तकबल का नबी और नबियानी दोनों मुज़ाकरात करेंगे पाकिस्तान के लिए, आइंदा इस्तकबाल में कोई मसला तय करेंगे। लिहाजा का राजा है, राजा इस्ताखसो कमांडो, कमांडो नाराजी दखेमे के नाराजी, इसमा कमांडो नाराजी, बस सिर्फ नबी और नबियानी एक दूसरे को समझेंगे कि वही नाजिल होती है या क्या होती है। और जब दोनों के दोनों वो खातून 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 होती है, जब अंदर दाखिल हो गए खुशबू से उसका दिमाग मुअत्तर हो गया, उसने खेमा बंद कर दिया, कहा नबूवत का मसला बाद में होगा, पहले तो टुक 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 टुक। उसने कहा आप नाराज ना होना, अल्लाह की कसम तुम्हारे लिए जितने नबी आए हैं ना, जितने भी नबी अंग्रेज ने बनाए वो मुसलमान से भी बड़े बेगैर थे। आपको नबूवत समझ में आ गई? अंग्रेज का और काफर की नबूवत इस किस्म की होती है, नबी बड़ा सोहना होता है, नबी बाकमाल होता है, नबी खूबसूरत होता है, नबी के हुस्न जमाल को देख करके पत्थर भी कहता है अस्सलामु अलैका युहर नबी, अस्सलामु अलैका युहन नबी। हजरत अबू बकर हैरान होता, दसो की
उमर भी हैरान होता है, मेरा नबी मुस्कराता, कुर्बान जाऊँ तेरे मुबारक दान तुम पर तेरे मुस्कराने पर। फरमाए अबू बकर जानते नहीं हूँ वो जो पत्थर है उससे आवाज़ आती है, हादा हजर यारिफू निवाना आरिफू यो सलिम वाले ये बहु सलिम वाले, ये पत्थर मुझे सलाम करता है, ये मेरा मरगर है मेरे हांडी वाले, मैं मोहम्मद उसको जवाब दे रहा हूँ। हादा हजर यारिफू निवाना आरिफू यो सलिम वाले ये बहु सलिम वाले, तफसीर रहमानी की पहली जिल्द में हजरत ने वाक़ लिखा। मेरे नबी को बाथरूम बाथरूम तो बाद में बन गया ना, हमारे जैसे होता कमरा बड़ा बेहतरीन है, मौलवी भी बड़ा बड़ा मौलवी माहिर है, मौलवी भी बेहतरीन है, कमरा भी बड़ा बेहतरीन है, इधर किसे खाओ साथ में लेटरीन है। तो हमारे यहाँ लेटरीन भी नहीं होती, अरब के यहाँ ये लेटरीन नहीं। मेरा नबी कहीं दूर चला जाता है, अगर कोई खाई है, कोई खड्डा है, कोई घाटी है, दरख्तों का झुंड है तो ठीक है, पर्दे का इंतज़ाम हो गया, पर्दे का इंतज़ाम हो गया, लोगों की निगाह नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कहीं कोई खाई खड्डा और कहीं पर कोई घाटी नहीं है, दरख्तों का झुंड नहीं है, तो मेरे नबी दूर दूर से, उधर एक दरख्त है, इधर भी एक दरख्त है, उधर दरख्त है, एक दरख्त है, इधर दरख्त है, ताले या शजरा, ताले या शजरा, ताले या शजरा, ताले या शजरा। मौरख लिखता अल्लाह की कसम दरख्त दौड़ लगाते थे, जाकर ऐसा घेराव करते थे मोहम्मद की खिदमत। नबी बड़ा सोहना होता है, और तुम अपने कादियानी को भेजो तो हमारे बलूचिस्तान के कुत्ते और गधे पे कहते खौरज़े तक कमज़े न रहे। तुम्हारा नबी होता तुम पे भी लानत भेजता हूँ, तुम्हारे नबी पर भी करोड़ों लानत भेजता। कुत्ते खिंजीर के सोहने मोहम्मद को छोड़ करके खातमुन्नबीयीन से लोगों की नज़रें तवज्जो हटा करके इस किस्म के बेगैरत पर और इस किस्म के मनहूस कादियानी जैसा बदशकल खबीस और इस किस्म के अखलाक जो मैंने अर्ज किया कि मुसैलिमा की है हज़रत अबू बकर ने, हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि इस्लाम को इस तरीके पर इस्लाम पर हमला हो और मैं जिंदा हूँ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ मुस्लिम के सरकोबी के लिए। हज़रत वहशी इब्ने हरब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसने ज़माने कुफर के अंदर नबी की चचा को हज़रत हमज़ा को शहीद किया था, हज़रत वहशी इब्ने हरब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शर्मिंदा थे, इस्लाम कबूल किया। मेरे नबी फरमाते थे वहशी अल इस्लाम यहदुमु मा काना क़बलहु, इस्लाम ने तेरे सारे गुनाह माफ़ करा दिए, लेकिन एक मेहरबानी करो, मेरे भाई भी थे हज़रत हमज़ा, मेरे रज़ाई भाई भी थे, मेरे चचा भी थे, मेरे रज़ाई भाई भी थे, लेकिन वहशी मैंने मोहम्मद ने तुझे कर दिया, तू मुसलमान हो गया, मेरा सहाबी बन गया, लेकिन मेरे सबक में, मेरे दर्स में, मेरी मजलिस में मेरे सामने न बैठो, या इस तरफ बैठो, तिरछा होकर के इस तरफ बैठो, या इस तरफ बैठो। आपको देख करके मुझे अपने चचा की याद ताजा हो जाती, मेरे सीने पे जख्म लग जाते। हजरत वहशी भी मातम करे, वहशी भी मातम करे कि अल्लाह मुसलमान तो हो गया, गुनाह माफ़ हो गए, लेकिन मोहम्मद के सीने का जो ज़ख़म है उस ज़ख़म को, वह ज़ख़म कैसे ठीक होगा? रब्बा मरने के बाद आपको किस तरीके कब्र में चेहरा दिखाऊंगा? अल्लाह 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 मैंने बड़ा जुर्म किया है, मेरे रब मैंने बड़ा जुर्म किया है, जुर्म तो किया, मोहम्मद ने मुझे माफ़ कर दिया, आपने भी मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन कोई ऐसा मौका मुझे दे दे, कोई ऐसा अमल कर, ऐसे अमल करने की तौफीक दे दे कि मेरा यह गुनाह माफ़ हो जाए। चुनाचे मुसैलिमा मैंने जब नबुवत का दावा किया, ललकार रहा था मैदान के अंदर, मुसैलिमा इधर जा रहा उधर जा रहा, हजरत वहशी मोटा सा एक मजबूत किस्म का आदमी, रंग का काला, वहशी इब्न अरब बड़े तीर अंदाज थे, अपने तीर को ऐसा खींच खींच करके मुसैलिमा को ऐसे मारा कि उसके कुनाहट से पार हो गया। आप समझ रहे हैं? अब अगले जुमले को सुनो, अब अगले जुमले को सुनो। मैंने अर्ज किया कि ऐसा तीर मारा कि उसका कुनाहट से पार हो गया। ओ पख्ताना तुम कौन तैयार है इस किस्म के बेगरतों के भी कुनाहट में दबा करके गोली मार? तुम्हारी एक गैरत है, हुकूमत अगर बेगैरत है तो लोग खुद वो करें, इंतजाम करें। वो हमारे मौले नसीब मेरे अजीज़ बैठा हुआ मौले अब्दुल बाकी साहब, तो हमारे यहाँ बकरियाँ होती दिन के 10 बजे में, दिन के 10 बजे कुत्ता जानते हो इस पे कुत्ता जानते हो, इस पे तो बकरियों की हिफाजत करता है ना, रेवड़ की हिफाजत करता है, लेकिन दिन 10 बजे 11 बजे भेड़िया आकर के एक बकरी को ले गया और बकरी को लेकर के उधर रोड पर खा रहा, ऐसे ऐसे खा रहा। तो बकरियों का जो मालिक का लड़का था वो आ गया, कहते अब्बा दाइस पे दो गोरा, अब्बा जी इस इस्पे को देखो, अब्बा जी कैसा है इस पे ये बेगैरत, ये इतना है कि इस पे तो
ये इस पे नहीं, भेड़िया, भेड़िया तो आदमी से भाग जाता है, भेड़िया इंसान को देखकर भाग, ये सब बेगैरत भेड़िया कि हमारी बकरी को इधर रास्ते पर चीर करके खा रहा है। कहने लगे बेटा भेड़िया का कसूर नहीं है, भेड़िया का कसूर नहीं, भेड़िया तो बेहिया है, लेकिन हमारा इस पे और हमारा कुत्ता गांडू बन गया है। बकरियों की हिफाजत करने वाला कौन होता है बोलो? बकरियों की हिफाजत कौन करता है? कुत्ता। वही वो गांडू बन गया, इस वजह से भेड़िया खा रहा है। मेरे भाई उलमा मस्जिद मदरसा, उलमा मस्जिद मदरसा कुरान खत्म नबूवत तबलीगी जमातें अल्लाह वाला अहले अल्लाह औलिया अल्लाह ये मजलूम बेकस माएँ बहनें बेटियां मुल्क दौलत इन सब के मुहाफिज होता है अल्लाह को सुल्तानुल मुस्लिम ज़िल्लुल्लाह बादशाह अल्लाह की तरफ से मुसलमान बादशाह हो वो अल्लाह का साया होता है। लेकिन बादशाह जब गांडू बन गया है तो इस किस्म के भेड़िए फिर नबूवत पर हमला तो करेंगे। बादशाह जब हमारा बेगैरत बन गया, बादशाह जब हमें इस किस्म के मिल जाते हैं जिनसे वो कुरान को जानते भी नहीं, नबी को जानते नहीं, वो मस्जिद को जानते भी नहीं, वो उलमा को जानते नहीं, माओं की इज्जत की कोई कदर नहीं, बहनों की इज्जत की कोई कदर नहीं, हमारी मईशत को कोई परवाह नहीं है, हम जलील हो रहे हैं। जब ये हो गए कि जब हमारा कुत्ता वो खारिशी बन गया तो उठो मोहम्मद की नबूवत की खुद हिफाजत करो। हम खुद हुकूमत से हमारी गुजारिश है अगर तेरे अंदर सलाहियत है तूने मईशत हमने बहुत बहुत कुछ हमें दे दिया, खाक दे दिया, रोटी हमारे मुंह से छीन छीन करके, कौन सा घर है 100 घरों में शायद 2 तेरे टट्टू होंगे, 100 घरों में 2 तेरे टट्टू होंगे जो तुझे जिंदाबाद कहेंगे, वरना 98 वो है माएँ बहने छोटे बड़े हर एक तुझ पर लानत भेजता। न तू नबूवत की हिफाजत कर सकता, न कुरान की हिफाजत कर सकता, न खत्म नबूवत का मुहाफिज है, न माओं की इज्जत और गैरत का मुहाफिज है, न मुल्क की सरहदें तू करता है। अब पठान जैसा जालिम और पठान जैसा सख्त कौम कोई भी नहीं है। आपने देखा अफगानिस्तान के अंदर बेहियाँ थी, बुराइयां थी, बेरिश लड़कों की इज्जतों को भी लूटा जाता था, माओं की इज्जतों को भी लूटा जाता था। मईशत हो या ना हो मुझे इसका इल्म नहीं है। नए आगे 3 हफ्ते नहीं हो गया, 3 हफ्ता नहीं हो गया, 3 हफ्ता नहीं हुआ, माँ का लाल अपने अखबार पे लानत भेज, अपनी मीडिया को न देख, जाकर अफगानिस्तान में देखो, लड़कों की इज्जत महफूज, बहनों की इज्जत महफूज, कुरान महफूज, चोरी डकैती से खतरा कोई खतरा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब खुदा उस इस्लाम के छतरी के नीचे सारे सुख का सांस ले रहे। जी हाँ, आपने अभी देखा कि जिन लड़कों को हेरात के अंदर अगवा किया गया और उसमें खुद मेरा अजीज है जो गवर्नर है अंसारी साहब, आपने नाम सुना होगा, मीडिया में भी आया, अंसारी साहब मेरा अजीज है, मेरा अपना आदमी है। अंसारी को जैसे पता चल गया कि मासूम बेरिश किस्म के लड़कों की इज्जतों को लूटा जाता है, अंसारी न घर में बैठ सका, साथियों को कहा कलाशी को लेकर के निकलो, मेरे गवर्नरी पर लानत हो, मैं इस गवर्नरी को क्या करूंगा, माओं की इज्जत की हिफाजत न कर सकूं। आपने देखा, मीडिया ने देखा, बेगैरत अंग्रेज के इस मीडिया ने भी देखा, आपने देखा मीडिया में वो मौजूद है, उन्होंने जा करके उन बेगैरतों को गोलियों के नजर कर दिया, उनको मार दिया, कुछ को गिरफ्तार करके पकड़ा और कुछ को जहन्नम में पहुंचा। वो एक लड़का और वो लड़के मासूम लड़के कहता है रब्बा तालिबान को जिंदा रख, रब्बा आप देखे मीडिया के अंदर मौजूद है, रब्बा तालिबान को जिंदा रख, रब्बा इन मौलवियों को जिंदा रख, परवरदिगार हमारा हशर हमारी इज्जत खाक में मिल गई थी, लेकिन इन गैरतमंद होते तो इस तरह करता है। और तेरे हाल यह है कि अल्लाह आपका भला करे, तेरे पास कोई भी आ जाए खत्म न, अल्लाह कहते मुझ साहब इसकी दाढ़ी है, इसकी दाढ़ी मुल्क का हीरो है, मुल्क का हीरो। छोड़ो इन बातों को, हजरत मुसैलम हजरत वहशी इब्न हरम ने मुसैलम कज़्ज़ाब को जब तीर मारा तो तीर मारने के बाद अब सुन लो, जब उसको जहन्नम में पहुंचाया, मैंने अर्ज किया, मैंने अपना तर्जमा किया, उसके कुनाहट पे जब तीर लगा, दूसरे तरफ से जब तीर पार हो गए तो हजरत मुसैलम कज़्ज़ाब कह लगे ओ मेरे परवरदिगार ओ मेरे रब मोहम्मद अब तो नहीं रहा, अगर मेरा नबी होता तो मैं नबी के सामने अपनी यह खिदमत पेश करता, रब्बा मैं जब बेईमान था, काफिर था, बागी था, तेरा बागी था, तेरे नबी का बागी था, उस वक्त इस बगावत में मेरे रब मैंने ये किया कि हजरत हमजा को शहीद कर दिया, मैं बड़ा मुजरिम हूँ, लेकिन अल्लाह जो सबसे अच्छा इंसान था उसको मैंने शहीद कर दिया, उसका बदला दे न सका, लेकिन आज सबसे बड़े जलील को मैंने जहन्नम में पहुंचाया, ए अल्लाह इस सबसे बड़े जलील की मेरे इस अमल को जिसको मैंने जहन्नम में पहुंचा अब तो माफ कर, अब तो माफ कर, अब मोहम्मद को मेरा सलाम पहुंचा दे, मैंने ये कर दिया तेरे दुश्मन को जहन्नम में पहुंचा। वाह वाह वाह, क्या समझ है,
क्या हैरत है और क्या एहसास है, क्या इदराक है अल्लाह का भला करें। इसलिए आप खुद ही अल्लाह का भला करें, आप बेदार होंगे। आप अपने मस्जिदों में, अपने इलाकों में, अपने महल्ले में, अपने दाएं, अपने बाएं, आप कादियानी हो या दूसरा शीनो या ऐनोहा, समझ नहीं है। कुरान के दुश्मन जिस वक्त कुरान पढ़ते हैं, सलात सलात पर मोहम्मद वाल मोहम्मद, मैं तो गया हूँ आलमी मुकाबलों में गया हूँ, इनके बड़ा सा बड़ा इनका मौलवी, उनके मुंह से कुरान निकलता नहीं, वो कुरान में फेल है। कायनात में ढूंढो चिराग लेकर के कोई हाफिज़ कुरान, कैसे बाचर, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, अकलियतों के इस्लाम उनके हुकूक देता है, यहूदी हो नसरानी हो, अपनी इबादत गाहों में इबादत करे, हम उनको हुकूक दे देंगे, बल्कि किसी यहूदी को आपके मुल्क में मुसलमान कत्ल करेंगे कि शासन उसको कत्ल किया जाएगा, इतना हुकूक हमने दिया। लेकिन इस्लाम की रियासत और जहाँ मुसलमानों का मुल्क हो वहाँ इस्लाम की आग जलेगी और इस्लाम की रोशनी होगी, वहाँ पर कुफर को अपने मजहब के प्रचार करने की इजाज़त नहीं है। तू कह कि मैं मुसलमान हूँ, तू है मुर्तद। तू कहता कि मैं मुसलमान हूँ, तू है बेगैरत। तू कहते मैं मुसलमान हूँ, तू खत्म नबूवत का मुनकर है। तू कहते कि मैं मुसलमान हूँ, तू कुरान का दुश्मन है। तू कहते कि मैं मुसलमान, तेरी मस्जिद, तेरी अजान, तेरा नबी, तेरा मजहब, तेरा ईमान, हर चीज़ तेरा अलग अलग है। तू मुसलमान कहते हुए क्या मुझे ये बताओ, एक आदमी है उसकी बीवी है और एक आदमी उसको कहता है कि यार मैं तो आपका बड़ा बेटा हूँ। नौजवान सा आकर के कहता है मैं तेरा बड़ा बेटा हूँ, और वो उसको बेटा समझ करके अंदर घर में जा करके, चलो तू मेरा बेटा है मेरे घर में रह, तो बीवी की इज्जत बचेगी? बोलो, वो उसका बेटा तो नहीं है ना, लेकिन कहता है मैं बेटा हूँ, कहता है कि मैं बेटा हूँ, मुझे घर में रहने दो, तो बीवी की इज्जत बचेगी? बच्चों की इज्जत, बच्चियों की इज्जत बचेगी? बेटियों की इज्जत बचेगी? नहीं बचेगी। गैरतमंद कभी किसी को बेटा कह करके उसको अपने घर में दाखिल होने दे। तू मुसलमान कह करके जैसे कि ये लुटेरा जाकर के उन औरतों की इज्जत को लूटेगा, तू भी कुरान का दुश्मन, नबी का दुश्मन, नबी की इज्जत का दुश्मन, खत्म नबूवत का दुश्मन। मुसलमान कहते हुए बेगैरत, हम आपको इस्लाम के दायरे में नहीं छोड़ेंगे। तू काफिर बन चुका है, तू टट्टी खुद है, हमने आपको काफिर बनाया नहीं, काफिर तू खुद बन चुका है, हम सिर्फ तेरे ऐलान करते कुफर का। हमने काफिर तो नहीं बना, काफिर तो तू खुद बन गया है, दायरे इस्लाम से तू खारिज हो गया। अब मुसलमान कहते हुए इस्लाम की चार दीवारी में तू दाखिल हो जाएगा, और इस तरीके पर अल्लाह आपका भला करिए सिलसिला करेगा, हम इस तरह आपको आने नहीं देंगे। गुजारिश ये है, बसीरत से काम ले लो, होश से काम ले लो, अपने मजहब प्यारे मोहम्मद के साथ अपना ताल्लुक कायम कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस, और सहाबा की इज्जत और नामूस, और ख़त्म नबूवत। नबी बा कमाल होता है, बा जमाल होता है, जमाल वाला होता है, कमाल वाला होता है, नबी सोहना होता है, नबी सोहना होता है। मेरा नबी जिस वक्त अल्लाह अकबर, मैंने अर्ज किया कि आपके हुस्न व जमाल को यह कि पत्थर और दर्द भी सलाम पेश करते। मेरे नबी जब कुरान पढ़ता है, मेरे नबी की आवाज़ जब जिन्नात भी सुनते हैं, जिन्नात कहते हैं अजीब अजीब ऐसी आवाज़। साहबी कहते हैं वल्लाहि मा समितु अहसना सौतम मिन सल्ला, खुदा की कसम न इससे पहले न इसके बाद। हजरत अनस कहता है ऐसा सोहना, ऐसा खूबसूरत कभी देखा भी नहीं, कायनात में कभी कोई इस तरह पैदा भी नहीं होगा, और आपकी आवाज़ से अच्छी किसी की आवाज़ सुनी नहीं। जिन्नात खुद कहते हैं वयसरफना इलैका नफरम मिनल जिन्न यस्तमिउनल कुरान, है सुबह की नमाज मेरा नबी पढ़ा रहे थे, ऐसी प्यारी आवाज़। आपको अजीब बात बताऊं, कादियानी की ऐसी बुरी आवाज़ थी गधों से भी ज़्यादा, इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीद। इस किस्म के बेगैरत, इस किस्म के मनहूस, तुम पर भी करोड़ों लानत इस नबी पर और इसके मानने वालों पर भी। इसको कोई नबी भी मानता है उस पर भी हम लानत, हम इसके बाकी आप हमारे मुँह बंद करें, आंखों पे मेरे पट्टी बांधे। इधर किसी ने टट्टी किया है, मौली मंजूर जब तक उसकी जबान खुली हो तो मौली मंजूर कहता टट्टी 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 टट्टी, गोल 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 गोल, बेहिया बेशर्मा बेहिया बेशर्मा बे। लेकिन मौली मंजूर के मुंह को तू बंद करेगा, आंखों को बंद करेगा, तो क्या वो गोल और वो टट्टी अभी रूही अफजा बन जाएगा? वो रूही अफजा बनेगा?
मेरा मुंह तो आपने बंद कर दिया, वो फिर भी टट्टी है। तो कुछ भी कर, फजल रहमान की जबान बंद कर, खत्म नबूत वालों की जबान बंद कर, तू जुल्म कर, फख्र ईमान तकाज, जो कुछ तू कर सकता है कर ले, तेरे पास डंडा है, तेरे पास बंदूक है, इन्नमा तक्ज़ी हादी हयात दुनिया, तू इस दुनिया की जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है, बाकी तूने रब के कहर से अजाब से तू बचेगा नहीं। मोहम्मद से बड़ा खुदा का कोई दोस्त नहीं, अनबिया से बढ़कर के अल्लाह की कोई दोस्त और वली कोई भी नहीं है, तेरा सत्यानाश हो जाएगा। तू कर, आज हमें रुला ले, मुसलमानों के साथ जुल्म कर, खत्म नबूवत कुरान के साथ जुल्म कर, वक्त तो यकसान नहीं रहता, सुन ले जालिम, खुद भी रो पड़ते हैं और उनको रुलाने वाले, तुम्हें भी तुम्हारे पिलार को भी हम रुला करके रखेंगे। मुसलमान आपस में मुत्तफिक हों, परवरदिगार खत्म नबूवत वालों की इस भाग दौड़ को और इनकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मुसलमानों की आमद को, मुसलमानों की अकीदत को, मुसलमानों के इत्तेफाक को, मुसलमानों के तआवुन को, मुसलमानों के मोहम्मद रसूलुल्लाह से जो अकीदत है इसको अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत, अल्लाह ताला है कि इन हजरात की खिदमत जलील को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने भी दीन शोबे हैं, तबलीगी जमात वाले हैं, मदारिस है, खानका हैं, तसनीफ व तालीफ वाले हैं, जमीयत उलमा इस्लाम है, नामों से सहाबा पर जो काम कर रहे हैं, अल्लाह सब की खिदमत जलील को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं बस वैसे मौली अहमद है ये जो खड़ा है, इनका हुक्म था, बस हाजिरी लगा दी। असल जलसा आपका अभी शुरू होगा, हम तो बलोच आदमी है, हमारी बातों में न कोई तरतीब है न कोई ढंग है, बस मैंने अपना सबक आपको सुनाया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। आपके मुबारक चेहरों की वजह से यही हम तवक्को रखते हैं। अल्लाह आपकी लाज रखते हुए इस नालायक मौलवी की भी मगफिरत करेगा। खुदा मेरे इन टूटे फूटे जुमलों को प्यारे मोहम्मद की बारगाह में पहुँचा दे, उनकी खिदमत में पहुँचा दे कि एक बलोच एक चरवाहे का बेटा, वो भी आपको नजरान अकीदत पेश कर रहा था, उसके दिल की जो फरियाद थी वो ज़बान पर ला करके एक रोना है, रोते हैं आपके सामने। अल्लाह ताला आप हजरात को अल्लाह आपकी मदद फरमाए, दस्तगीर फरमा दे खत्म नबूवत वालों के। मैंने अर्ज़ किया कि असल जलसा अब शुरू है, मैं तो बस वैसे थोड़ा सा आप में पत्थर फेंक करके जा रहा हूँ। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह।